अक्टूबर महीने का आज पहला दिन है और इस पहले दिन ही महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, मंगलवार को सुबह सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से ऑयल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि इस बार भी एलपीजी सिलेंडर में बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में ही की गई है। ऑयल कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब नई कीमतें भी सामने आ गई हैं। इनके मुताबिक राजधानी दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। आपको बताते हैं कि दिल्ली मुंबई समेत तमाम शहरों में एलपीजी सिलेंडर के नए रेट्स क्या हैं। IOCL की वेबसाइट पर नजर डालें तो 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें आज यानी 1 अक्टूबर से ही लागू कर दी गई हैं। राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों की बात की जाए तो मुंबई में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत सितंबर महीने में 1605 रुपए से बढ़कर 1644 रुपए की गई थी, तो इसे एक बार फिर से बढ़ाकर 1692.50 रुपए कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक कोलकाता में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर 1802.50 रुपए में मिल रहा था, लेकिन अब ये 1805.50 रुपए का हो गया है। इसके अलावा चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 1903 रुपए कर दी गई है, जो अब तक 1855 रुपए में मिल रहा था। वहीं 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की बात की जाए तो बीते जुलाई 2024 महीने के बाद से लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां 1 जुलाई 2024 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी प्राइस कट का तोहफा दिया था और राजधानी दिल्ली में इस सिलेंडर के दाम 30 रुपए तक कम हो गए थे, लेकिन अगले ही महीने यानी अगस्त 2024 में 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 8.50 रुपए तक महंगा हो गया था। वहीं सितंबर महीने की पहली तारीख को भी ग्राहकों को झटका लगा था और दिल्ली में इसकी कीमत में सीधे 39 रुपए का इजाफा देखा गया था। एक तरफ जहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार चेंज देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को यथावत रखा हुआ। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।